देखो भाई, त्योहार के दिन तो छोड़ दिया करो ना, आज के दिन तो आप अपनी साजिशें छोड़ छाड़ कर हंसी खुशी त्योहार मना सकते हैं। लेकिन इनकी भी गलती नहीं है ना, क्या है कि सीरियल्स अपने त्योहार बैकलॉग में मनाते हैं, तो जब सीरियल में त्योहार शुरू ही नहीं हुए तो करने दीजिए इनको अपनी साजिशें, ताकि कयामत से कयामत तक हो। ऐसे पेश आते अपनी होने वाली दोनों, कुछ सिखाया नहीं आपने अपनी दासी को? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? इस राजघराने में हमारा विवाह होने वाला है, वहाँ के लोग कैसे? अच्छा एक बात बताओ, कौन सा साल है ये? आपके खानदान में लोग विवाह करने से पहले ये पूछते हैं कि कौन सा साल चल रहा है। राज, ये सब क्या हो रहा है? रॉयल कमरा, रॉयल कमरा तो होगा ना, आराम करना। हेलो भाई, कहानी में आ गया एक और ट्विस्ट। हाँ बस क्या है, यही ट्विस्ट देखना बाकी था। अगर हम मेकर से ये सवाल पूछें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब देखिए, कहानी वैसे ही है, पुनर्जन्म को लेकर उलझी हुई थी। हे पूर्णिमा कब पूनम बन गई इसका पता ही नहीं चला, और अब ये पूनम अपनी याददाश्त भूल गई है तो खुद को राजकुमारी समझने लग गई है। इस राजघराने में हमारा विवाह होने वाला है, वहाँ के लोग कैसे? और यहाँ जैसे ही आए, चाय शरबत कॉफी स्पार्किंग वाटर, सीधा ठहर जाइए, हमें कुछ नहीं। राज, ये सब क्या हो रहा है? रॉयल कमरा। मेरी याददाश्त जा चुकी है और मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं पूनम हूँ, मैं पूर्णिमा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, क्योंकि शाइना ने इससे पहले मुझे गाड़ी के अंदर बंद किया था और तभी मेरी याददाश्त चली गई, और अब मैं खुद को समझ रही हूँ कि मैं राजकुमारी हूँ। वो सीन कुछ ऐसा था जहाँ पर पूनम को धीरे धीरे पूर्णिमा की यादें आ रही हैं, फिर एकदम से आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, उस चक्कर में एक टक्कर लगी सर पे, कार एक्सीडेंट में वो बीच में अटक गई, बीच में एक राजकुमारी फंसी हुई थी, वो उभर के बाहर आ गई, पूनम इधर रह गई, पूर्णिमा इधर रह गई, बीच वाली यहाँ पे आ गई, बीच वाली आ गई। अब कभी पूर्णिमा, कभी पूनम और कभी राजकुमारी, इंसान एक ही है लेकिन उसके तीन तीन किरदार। अब देख लीजिए, कंफ्यूजन तो होगा ही। अब शायना ने जो करतूत की थी वो करतूत उसे इस कदर भारी पड़ेगी, ये तो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस घर पर हमारा हक, हमारे ही हक, हमसे ऐसी बात करने का हक किसने दिया? इस सोचा था कि पूनम को रास्ते से हटा देगी, एक्सीडेंट करके उसका काम तमाम कर देगी, लेकिन ये तो पूरा उल्टा हो गया। पूनम जिसकी याददाश्त चली गई है और अब वो खुद को महल की राजकुमारी समझ रही है, साइना को वो अपनी दासी समझ रही है। क्या आप लोग ऐसे पेश आते अपनी होने वाली दोनों के साथ? कुछ सिखाया नहीं आपने अपनी दासी को? अब इसके साथ साथ दर्शकों को और क्या क्या देखना पड़ेगा, उनके लिए तो हम यही कहेंगे कि आपका इम्तिहान अभी और भी कड़ा होने वाला है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हमारी बेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।